पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर आज प्रदेश भर के पेट्रोल पंप हड़ताल पर है। विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा में आज सुबह 6 बजे से लेकर कल 16 नवंबर सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। ऐसे में आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अम्बाला में लोग वाहनों में पेट्रोल खत्म होने के चलते उन्हें धकेलते हुए भी नजर आए, तो वहीं पेट्रोल पंप स्वास्थ्य विभाग के वाहनों में पेट्रोल डीजल भरते हुए दिखाई भी दिए। बता दें, हरियाणा में आज से पेट्रोल पंप 24 घंटे की हड़ताल पर है। आज सुबह 6 बजे से शुरू हुई हड़ताल कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। अपने विभिन्न मांगों को लेकर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के ऐलान पर आज हरियाणा के लगभग सभी पेट्रोल पंप हड़ताल पर है। ऐसे में आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पेट्रोल पंप की हड़ताल से अनजान लोग परेशान होते दिखाई दिए, वहीं कुछ लोग वाहनों में पेट्रोल खत्म होने के कारण वाहनों को धकेलते हुए नजर आए। परेशान ऑटो चालकों ने बताया कि उन्हें स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, लेकिन पेट्रोल पंप बंद होने की स्थिति में उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। वहीं वाहन में पेट्रोल खत्म होने के कारण वाहन को पैदल धकेल कर जा रहे व्यक्ति ने बताया कि आज शहर में सभी पेट्रोल पंप बंद है और वह कई किलोमीटर दूर से पैदल ही अपने वाहन को धकेल कर ला रहे हैं। नुकसान तो जो भी तेल पुराना है, डीजल बच्चे छोड़ने हैं स्कूल के, दिक्कत तो है। पता ही नहीं लगा, दिक्कत तो हुई है। ऐसे तो बहुत दिक्कत आ रही है, तेल कहाँ से पुआएं, ये तो एकदम हड़ताल होगी। अरे परेशानी बहुत आ रही है, पेट्रोल पंप पे गए तो तेल नहीं दे रहा है, वो कह रहा है हड़ताल है। मैंने कहा थोड़ा सा तो दे दे, कह रहा बिल्कुल नहीं मिलेगा, हड़ताल कर रखी, सबने सलाह कर रखी है। अब कहाँ से पैदल आ रहे हो और गाड़ी में आपकी पेट्रोल है या नहीं है? बिल्कुल खत्म है पेट्रोल, पैदल आ रहा हूँ। ये मंडी सब गुरुद्वारा मंडी कितनी है? 10 किलोमीटर कुछ पैदल आ ही रहा है, कोई नहीं दे रहा है। जैसे कि सभी को पता है कि कल सुबह तक स्ट्राइक है और उस स्ट्राइक में हम शामिल हैं। और जैसे कि जो भी इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है, जो भी सिविल हॉस्पिटल से हमारे पास व्हीकल्स आते हैं पहले भी, तो वो व्हीकल्स आ रहे हैं तो उनको हम अपनी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। खबर हमारे हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।